प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर को ध्यान में रख करके एनसीईआरटी क्वेश्चन को कर रहे थे, ठीक है। तो अब तो हमारे पास दो एग्जाम बचे हैं, पीजीटी का और जीआईसी लेक्चरर का, आश्रम पद्धत का, उसके बाद मान लीजिए आपका अगर आता है तो ईएलटी का। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी चैनल की तरफ से आपको देना चाहता हूँ। अगर आपका सुपर टेट है तो सुपर टेट के लिए जो साइंस की क्लासेस हैं वह आपके रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट होने वाली हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके फाउंडेशन और टारगेट बैच आपका स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपका स्टार्ट किया जाएगा 24 अगस्त से, ठीक है। तो ये दोनों बैच आपके स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका हिस्सा बनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है 8004109989, उस पर आप ईएलटी लिख करके या टीजीटी पीजीटी कुछ लिख करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बात कर रहे थे यहाँ पे, हम आपको बता दें कि टीजीटी में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए गए। आज के ही वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, हमने 140 क्वेश्चन रखा है इस वीडियो में, और आप देखेंगे तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं, टीजीटी 2016 में भी और टीजीटी 2021 में भी। आप अभी देखेंगे आगे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन एक तो आपका नंबर वन पे दिखाई पड़ रहा है, बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज लोकेटेड एट, कह रहा है पैलियोबॉटनी, बीरबल सहनी पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो ये तो मुझे नहीं लगता किसी को बताना पड़ेगा, सबको इसका आंसर पता है, और ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर कहाँ हो जाता है, लखनऊ में। ना सिर्फ आपके इसमें जीएस के पोर्शन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे लखनऊ में, ठीक है। अब लखनऊ के बारे में आपको जो कुछ जानना है आप जानते हैं, अवध नगरी है, ठीक है, यहाँ पे गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर आपका टेक्सकोलॉजी विभाग भी है, आप जानते हैं, CDRI भी लखनऊ में है, आप जानते हैं, फर्स्ट एशिया का फर्स्ट DNA बैंक भी लखनऊ में है, ठीक है। बायोलॉजी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को ध्यान देते हैं। चलिए, यहाँ पे कुकरेल वन पार्क है जहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र, आपने देखा होगा शायद, कुछ लोग घूमने गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जाइएगा, घूमिएगा, अच्छा है, ठीक है। चलिए, 3.5 बिलियन ईयर एगो व्हिच फ्लोरा डोमिनेंट द अर्थ, कह रहा है 3.5 यानी 3.5 बिलियन ईयर एगो कौन सा फ्लोरा ऐसा है जो अर्थ पे डोमिनेंट था, यानी बहुत डोमिनेंट था, तो आप कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन था ब्लू ग्रीन एल्गी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। चलिए, एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स है। आपको याद होगा कि मैंने आपको वहाँ पर जब करा रहे थे डबल डोज वाली सीरीज में, तो मैंने आपको आर्कियोप्टेरिक्स कराया है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके पीजीटी और जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, द डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक ऑफ फिंचेज एडाप्टेड टू द डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑन द ग्लेपागोस जो आइलैंड है जिसका नाम डार्विन के नाम पर रखा गया था। ग्लेपागोस आइलैंड किसके नाम पर रखा गया था, इसका नाम क्या है, डार्विन आइलैंड आइलैंड भी कहते हैं, तो डार्विन आइलैंड है। तो कह रहा है ग्लेपागोस आइलैंड जो है वाज ऑब्जर्व बाय द डार्विन प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर, कह रहा है किसका एविडेंस वहाँ से प्रोवाइड किए थे डार्विन, आपको ये बताता है, और किसके आधार पे, फिंचेज के बीक से के आधार पे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके सामने बड़ा बढ़िया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और उसके बाद इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब आपको इस पे आंसर बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा, अब आप सोच करके आंसर बताइए, तो आप कहेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन आपका सही आंसर हो जाता है। जितने भी हमारे मित्र हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, आपको इसके लिए एक भी पैसा पेड नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सुपर टेट मैंने जैसा कि स्टार्टिंग बताया, सुपर टेट के लिए और टीजीटी पीजीटी फाउंडेशन टारगेट बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आप जरूर इसका हिस्सा बने, आपको इसका लाभ मिलेगा। साथ में और भी बहुत सारी क्लासेस आती रहती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ग्लेपागोस वही है, ग्लेपागोस आइलैंड आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द, अभी मैंने ऊपर आपको बताया किसके नाम पे है, तो आप कहेंगे डार्विन के नाम पे रखा गया, किसके नाम पे, डार्विन के नाम पे रखा गया। इन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ मैमेलियन हर्ट, फिर से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ मैमेलियन हर्ट इट इज ऑब्जर्व डेट इट पासिस थ्रू ए टू चैम्बर्ड फिश लाइक, दो चैम्बर हर्ट किस में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है।
थ्री चैम्बर्ड फ्राग लाइक। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फ्राग में कितने चैम्बर का हर्ट पाया जाता है, आप में से जो लोग टीजीटी का पेपर दिए हों इस बात का समर्थन करिए कि ये बात सही है। और टीजीटी में आपसे पूछा गया था, मैंने पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने आपको बताया था, नहीं देखे हों तो पेपर सॉल्व देख लिए, 120 का करेक्ट ऑथेंटिक आंसर आपको दिया गया। तो थ्री चैम्बर्ड फ्राग हर्ट, ठीक। एंड फाइनली फोर चैम्बर स्टेज आपका किस में पाया जाता है, एम्फीबिया में, और सॉरी किस में पाया जाता है, एप्स में और मैमेलिया में फोर चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। टू विच हाइपोथेसिस कैन द एबव स्टेटमेंट बी अप्रॉक्सीमेटली, कह रहा है ये कौन सी हाइपोथेसिस में इसका वर्णन किया गया है आपको ये बताना है। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि एक जो है टू चैम्बर हर्ट पाया जाता किस में, फिश में, थ्री चैम्बर हर्ट पाया जाता फ्रॉग में, फोर चैम्बर हर्ट पाया जाता एप्स में और मैमेलिया में। कह रहा है कि ये जो है स्टेज है, यह स्टेज इसके हाइपोथेसिस कहाँ पे दी गई है आपको बताना है, जल्दी बता दीजिए। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर सही है, जल्दी बता दीजिए क्या है, बायोजेनेटिक ला में, कहाँ पे दिया गया, बायोजेनेटिक ला में, तो आपका आंसर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, 2016 का क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ओनली इन, जल्दी बता दीजिए कहाँ पे ऑपरेट होती, जल्दी से बताइए आंसर क्या सही होगा, स्मॉलर पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पे ऑपरेट होती, स्मॉलर पॉपुलेशन में ऑपरेट होती है। स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड, स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एलोपेट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एलोपेट्रिक कहते हैं, एलोपेट्रिक कहा जाता है। चलिए और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे करेक्ट है। देखिए क्रोमैग्नन मैंस फॉसिल्स हैज बीन फाउंड इन इथोपिया, कह रहा क्रोमैग्नन के जो फॉसिल्स हैं इथोपिया में पाए गए, नहीं ये गलत है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द रियल एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन, ये भी गलत है। होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ द मैन, होमो इरेक्टस क्या है, एंसेस्टर है मैन का, ये भी आपका गलत है। और क्या पूछ रहा है, करेक्ट है ना, ठीक है। नियंडरथल मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द होमो सेपियंस, ये आपका करेक्ट आंसर है। और आप में से जो भी मित्र दिए, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंस सकता सर, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वही आ जाए, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको इतना सेंस तो लगाना चाहिए। अब देखिए नियंडरथल मैन इज डायरेक्टली एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस, ये बताइए 2016 के पेपर में आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था ना, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा। चलिए ए बायोजेनेसिस अकर्ड अबाउट बिलियन ऑफ ईयर, कितने वर्ष पहले ए बायोजेनेसिस की थीम दी गई थी, यानी ए बायोजेनेसिस के बारे में बताया गया था, 3.5। द सरप्राइज प्रोडक्ट इन द मिलर्स एक्सपेरिमेंट, स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट को आपने पढ़ा होगा, तो जिसमें वो तापमान बढ़ाते हैं फिर उसमें क्या होता है, गैसें जाती हैं कांच के अंदर अंदर सब कुछ होता है, तो इसके जो इस मिलर एक्सपेरिमेंट है, स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपको बताना है क्या सही है, यहाँ पे कौन सा ऐसी गैस मिली, कौन सा ऐसा तत्व मिला था जो सरप्राइज काज किया था, तो आप कहेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। अमीनो एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। अच्छा जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बांड बनाते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड बांड बनता है। अमीनो एसिड से जुड़ते हैं कौन सा बांड बनता है, पेप्टाइड बांड बनता है, ठीक है। तो ये जो है अमीनो एसिड क्या करता है, जल्दी बता दीजिए, अमीनो एसिड मिला था कहाँ पे, मिलर के एक्सपेरिमेंट में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप दीजिएगा, आपका GIC है और आश्रम पद्धत है जो कि अगले महीने में है आपका, तब तक सभी NCERT के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और उसके पहले मैं बता दूं, हिंदी में भी ख़त्म हो जाएंगे, इंग्लिश में भी ख़त्म हो जाएंगे, हिंदी वाला भी आप देख लीजिए, इंग्लिश वाला जो लोग इच्छुक हैं इंग्लिश वाला देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बढ़ जाऊं, हिंदी वाले में क्या है, बड़ी शुद्ध हिंदी लिखी रहती है किताबों में, तो उस शुद्ध हिंदी को अगर हम तोड़ना चाहें तो कठिन हो जाता है। मैंने आपको बताया कि मैं प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से करा रहा हूँ, आपका उसका आंसर मिल जाएगा, अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक से पढ़ भी सकते हैं। चलिए कहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी पढ़िए बताइए आंसर क्या होगा। Who demonstrated existence of life in the boiled broth flask? कह रहा है किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को कहाँ पे, फ्लास्क के अंदर, तो आप बताएंगे इसका आंसर कौन सही होगा, इसका आंसर आपका सही हो जाता, जल्दी से बता दीजिए कौन, पाश्चर, कौन थे,
पास्ट चर थे, ठीक है। हु डिड एन एक्सपेरिमेंट, हु डिड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर बेसिस ऑफ लाइफ, कह रहा किसने ये प्रूव किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह बेसिस ऑफ लाइफ है, तो आपका आंसर आ जाएगा मिलर और यूरे ने, किसने, स्टेनले मिलर और यूरे ने। केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाई, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाई ओपेरान एंड हाल्डन, किसने, ओपेरिन एंड हाल्डन, सॉरी ओपेरिन एंड हाल्डन, कौन है, ओपेरिन एंड हाल्डन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विंग्स ऑफ पिजन, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वहाँ पे पोटैटो को लेकर के, पोटैटो था कुछ और था उसमें आपको मैच कराना था, बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ देखिए अगर जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो होमोलॉजी एनालॉजी से कैसे पूछा जाएगा देखिएगा। विंग्स ऑफ पिजन बैट एंड मॉस्किटो, कह रहा विंग्स ऑफ पिजन यानी पिजन के विंग्स, बैट के विंग्स और मॉस्किटो के विंग एग्जिबिटेड द फिनोमेना कॉल्ड, कह रहा जो फिनोमेना एक दिखाते हैं उस फिनोमेना के अकॉर्डिंग इन्हें क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, गलत नहीं करेंगे। चलिए एडेप्टिव सिमिलरिटी इन डिफरेंट एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड, कह रहा है एडेप्टिव सिमिलरिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल लिविंग इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडेप्टिव रेडिएशन, उसे क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द पैटाजिया इन एनिमल्स इज अडॉप्टेड, डेवलपमेंट ऑफ पैटाजिया इन एनिमल्स इज अडॉप्टेड, तो आप कहेंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे बोलेंट होता है, क्या होता है, बोलेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल इज, रेप्टाइल की गोल्डन एज क्या होगी, तो आप बताएंगे गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल इज क्या होता है, मीजोजोई केरा होता है, क्या होता है, मीजोजोई केरा होता है, ठीक है, आंसर कौन सा सही है, ए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, द एयरलिस्ट फॉसिल्स फ्राम इज, कह रहा है द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स द एयरलिस्ट फॉसिल्स फ्राम इज, तो आप इसका बताएंगे आंसर क्या सही होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर सही हो जाता है योहिप्पस। लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड, लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। होमोलिडी ओरिजिनेट ड्यूरिंग, होमोनिडी ओरिजिनेट ड्यूरिंग कब ओरिजिनेट होते हैं, तो आप कहेंगे प्लियोसीन एरा में, कब, प्लियोसीन एरा में ओरिजिनेट होते हैं। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज प्रपोज्ड बाय, कह रहा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, तेजी से चलते हैं, किसने किया था, तो आप कहेंगे वान हेलमेंट। विच ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कह रहा कौन ऐसी जो एडवांस थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो जल्दी से बता दीजिए, 23 का आपका आंसर सही हो जाता है ओपेरिन एंड हाल्डन, ओपेरिन एंड हाल्डन, ठीक। चलिए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज गिवन बाय, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज किसने दिया था, वान हेलमेंट, और उसके बाद द फर्स्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म वेयर, कह रहा फर्स्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म वेयर वो क्या था, तो आप कहेंगे क्या था, तो आप कहेंगे उसके बाद ये कीमो हेट्रोट्रॉप्स था, क्या था, कीमो हेट्रोट्रॉप था। आपको मैं एक बता दूं, एक जगह पे आप जाइए वहाँ से आप एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो छोटा सा पीडीएफ है उसे पढ़ लेंगे तो आपको काम देगा, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपको मिलेगा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन RH Whittaker का, उसे पढ़ लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बैक्टीरिया की, जो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, सेल स्ट्रक्चर है, सब कुछ एक पन्ना आप पढ़ लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके पीएचडी में मिलेगा। एक जगह और है वहाँ पर आप पढ़ेंगे, क्लास 11th में ही आप जाएंगे तो प्लांटी में, उसका चैप्टर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पर आप देखेंगे ना तो C3 प्लांट और C4 प्लांट की एक सारणी दी गई है, उसे कर लीजिए, हालांकि उसे हम डबल डोज में कराएंगे लेकिन आप उसे एक बार कर लेंगे तो आपको वहाँ से लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए डार्विन फिंचेस शो वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, कह रहा डार्विन फिंचेस शो वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर सही हो जाता है डार्विन फिंचेस सो वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना कौन सा सही होगा, बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है। चलिए
एमंग द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर विच इज नॉट वेस्टिजियल इज, कह रहा है एमंग द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर विच इज नॉट वेस्टिजियल इन, चार में से कौन सा ऐसा है स्ट्रक्चर जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, जल्दी बताइए। नेल्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बता दीजिए क्या क्वेश्चन आपके 2021 टीजीटी में पूछा गया था कि नहीं। काज ऑफ स्पेसिएशन इज, काज ऑफ स्पेसिएशन इज, स्पेसिएशन किससे काज होता था आप बताएंगे, काज ऑफ स्पेसिएशन इज आइसोलेशन, किससे आइसोलेशन, ठीक। चलिए क्रैनियल कैपेसिटी इज मिनिमम इन, कह रहा किसमें क्रैनियल कैपेसिटी सबसे कम होती है, चार ऑप्शन दिया गया है इसी में से आपको बताना है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, रेसस मंकी है और उसके बाद जल्दी बताइए कौन सा सही होगा आपका। द क्लोजेस्ट प्राइमेट्स टू ह्यूमन इज, कह रहा ह्यूमन का सबसे क्लोजेस्ट प्राइमेट कौन होता है तो आपका आंसर सही होगा, क्लोजेस्ट प्राइमेट कौन होता है तो आप कहेंगे गोरिल्ला, कौन होता है गोरिल्ला होता है, ठीक है। उसके बाद स्वान नेक्ड फ्लैस्क एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, स्वान नेक्ड फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय किसके द्वारा दिया गया था तो 31 का आप आंसर बता देंगे, लुई पाश्चर के द्वारा, किसके द्वारा, लुई पाश्चर के द्वारा। विच आर द फॉलोइंग वेयर फर्स्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म, कह रहा कौन ऐसा है जो फर्स्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है तो इसके बारे में आप बताएंगे, विच आर द फॉलोइंग वेयर फर्स्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर आप बता देंगे क्या हो जाता है, कीमो आर कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल कैन बी ट्रेस्ड इन, पोस्ट एनल टेल कैन बी ट्रेस्ड इन किस में ट्रेस्ड हो जाती है तो आप बताएंगे किस में, कोबरा में, किस में, कोबरा में। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ए स्पीसीज कैन बी बेस्ट स्टडीज बाई, फिर से देखते हैं, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ए स्पीसीज कैन बी बेस्ट स्टडीज बाई, तो आपका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे स्टडिंग फॉसिल्स ऑफ दिस स्पीसीज। सिकल सेल एनीमिया द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ड्यू टू जीन मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू अमीनो एसिड ऑफ, फिर से देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ड्यू टू द जीन मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू द अमीनो एसिड ऑफ, कौन से अमीनो एसिड है इससे रिलेटेड तो आपको आंसर बताना होगा, 35 का आंसर जल्दी से बता दिए, सेकेंड बीटा चेन, कौन है सेकेंड बीटा चेन, पीएचटी वाले ध्यान दें, सेकेंड बीटा चेन। डार्विन्स थ्योरी डज नॉट इंक्लूडेड, डार्विन्स थ्योरी में क्या इंक्लूड नहीं किया गया था, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इवोल्यूशन थ्रू द इनहेरिटेंस, स्ट्रगल एंड एग्जिस्टेंस, तो आंसर तो आपके सामने है, आपको थ्योरी याद है तो आपका कहेंगे इवोल्यूशन थ्रू द इनहेरिटेंस, ये आपका नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए बायोजेंसिस लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कह रहा है ए बायोजेंसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो आप कहेंगे 37 का आंसर बताएंगे, कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो आप कहेंगे नॉन लिविंग सब्सटेंस से, कहाँ से ओरिजिनेट होती है नॉन लिविंग सब्सटेंस से। देयर इज नो लाइफ नो मून बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, कह रहा देयर इज नो लाइफ ऑन मून, कह रहा मून के ऊपर कोई जीवन नहीं पाया जाता है किस तत्व की कमी के कारण, तो गलती से ऑक्सीजन मत लगा दीजिएगा, वहाँ पानी की कमी के कारण जो है लाइफ नहीं पाई जाती, अगर पानी पाया जाता तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते जो कि वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन से क्या करते हैं सांस ले लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ द वेस्टिजियल, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो कि वेस्टिजियल है, आप थोड़ा सा ऑप्शन को अगर यहाँ और करें तो देखेंगे, आपको इधर उधर करने के बाद ऑप्शन को आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन आपके कहाँ पूछा गया था, आप जल्दी से बता देंगे तो यह क्वेश्चन आपके टीजीटी 2016 में पूछा गया था और यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर बात करें कौन सा पेयर है तो यहाँ पे कॉक्स एंड पिन्ना मसल्स ये हैं आपके, थोड़ा सा ऑप्शन वहाँ पे दूसरा दिया गया था लेकिन क्वेश्चन सेम था। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टेडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट्स दैट, कह रहा है टेडपोल में गिल्स का पाया जाना किसका इंडिकेशन है तो आप इसको बताएंगे, ये कहाँ सर, उसके बाद आपको प्रेजेंस ऑफ गिल्स, हाँ चलिए क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टेडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट, ठीक है तो आपको बताना है प्रेजेंस ऑफ गिल्स मिला सबको, प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टेडपोल ऑफ द फ्रॉग इंडिकेट दैट किसका इंडिकेशन है, फिश इवॉल्व फ्रॉग फ्रॉम फ्रॉग लाइक एंसेस्टर, फ्रॉग विल हैव गिल्ड इन द फ्यूचर, फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम द गिल्ड एंसेस्टर और उसके बाद फिश
वेयर एम्फीबिया इन द पास्ट। तो अब आप इसका आंसर बताएंगे और इसका आंसर हो जाता है फ्रॉग इवोल्व फ्रॉम द गिल्ड एंसेस्टर। फ्रॉग कहाँ से इवोल्व हुआ है? गिल्ड एंसेस्टर से इवोल्व हुआ है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है, आपको इसका आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है? तो इसको क्या कहते हैं? साइकस कहते हैं। लिविंग फॉसिल को क्या कहते हैं? साइकस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको। डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर, डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्स, आपको आंसर बताना है। डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्स, तो कौन सा सही होगा? तो जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन चेंजेस, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, ध्यान से पढ़िएगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पीएचडी में या जीआईसी में देखने को मिल सकते हैं, पढ़िए आंसर दीजिए। एज ऑफ फॉसिल्स इन द पास्ट वाज जनरली डिटरमाइंड बाय द रेडियो कार्बन मेथड्स एंड अदर मेथड्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन द रॉक्स। मोर प्रिसिस मेथड विच वेयर यूज रिसेंटली एंड लीड टू रिविजन ऑफ द इवोल्यूशनरी पीरियड फॉर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, आपको इसका आंसर बताना होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा, फिर से देखते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स इन द पास्ट वॉज जनरली डिटरमाइंड बाई द रेडियो कार्बन मेथड्स एंड अदर मेथड्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन द रॉक्स। मोर प्रिसिस मेथड्स विच वेयर यूज रिसेंटली एंड लीड टू द रिविजन ऑफ द इवोल्यूशनरी पीरियड फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। स्टडी ऑफ द कंडीशन ऑफ फॉसिलाइजेशन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फॉसिल्स डीएनए, स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन रॉक्स, स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन फॉसिल्स, अब आपको इसका आंसर बताना होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फॉसिल्स डीएनए, तो ये आपका आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए। ए बेबी हैज बीन बॉर्न विथ ए स्मॉल टेल, कह रहा है एक बच्चा पैदा होता छोटे से टेल के साथ। इट इज द काज एग्जिबिटेशन, यह किसके कारण होता है? तो ये आपको बताना होगा। ए 62 का आंसर आप बताएंगे, किसके कारण होता है 62 का, जल्दी बता दीजिए। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? एटविज्म, क्या है ये? एटाविज्म है। द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स इन इंसेक्ट डैमेजिंग द क्रॉप इज, द मोस्ट लाइकली रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स इन इंसेक्ट्स डैमेजिंग द क्रॉप इज, आपको आंसर बताना होगा क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो आप कहेंगे एक्वायर्ड हेरिटेबल चेंजेज, एक्वायर्ड हेरिटेबल चेंजेज, तो आपका आंसर सी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फॉर नॉन लिविंग मैटर्स, फिर से देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, तो इसका आंसर आप बता देंगे क्या सही होगा। तो जल्दी से बता दीजिए, तो इसका आंसर आपका हो जाता है जल्दी बताइए, ऑप्शन आप पढ़िए फिर आंसर बताइए। मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन द वेसल्स, ठीक। डी ब्रीज, डी ब्रीज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन, कह रहा है डी ब्रीज ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया किस पे काम करने के बाद, तो आप बताएंगे किस पे, तो ओनथेरा लैमार्काना पे, किस पे? ओनथेरा लैमार्काना पे, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो जल्दी बता दीजिए आंसर क्या सही होगा। आंसर सही हो जाता है प्रिवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस इंसेक्ट, प्रिवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस इंसेक्ट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स ऑफ डेटिंग ऑफ फॉसिल फिश देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स ऑफ डेटिंग ऑफ फॉसिल. तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए 67 का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड. फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो आप बता सकते हैं. द बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हेकल्स इज, हेकल्स का बायोजेनेटिक लॉ क्या है, तो हेकल का जो बायोजेनेटिक लॉ है वो क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. ठीक. ह्यूमन एंसेस्टर्स हु लेफ्ट केप पेंटिंग वेयर, जल्दी बताइए, क्रोमैग्नन मानो. एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ, एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द फेवर ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ, किसके अकरेंस पे ऐसा होता है, तो आप बताएंगे होमोलागस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलागस एंड वेस्टिजियल. मैं आपको बता दूं कि टोटल 142 क्वेश्चन रखे गए हैं इस सीरीज में, आप पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा. हम उम्मीद करते हैं कि इवोल्यूशन से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके इवोल्यूशन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. और ये भी आप मान चलिए कि 2-3 क्वेश्चन इवोल्यूशन से पूछे ही जाते हैं. ठीक है, चलिए. इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, कह रहा है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या कहते हैं जल्दी बताइए, तो उसे कहा जाता है फाइलोजेनी. क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है. क्या कहा जाता है, फाइलोजेनी कहा जाता है. जुरैसिक पीरियड, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है आपका, ध्यान से पढ़िएगा. जुरैसिक पीरियड ऑफ द मेजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज बाई, जुरैसिक पीरियड ऑफ द मेजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या सही हो जाता है. जुरैसिक पीरियड ऑफ द मेजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका आंसर आपका हो जाता है 72 का, जल्दी बताइए. जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट प्लांट एंड फर्स्ट बर्ड्स अपीयर, जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट प्लांट एंड फर्स्ट बर्ड अपीयर्स किसमें, तो आप बताएंगे जुरैसिक पीरियड में, किसमें, जुरैसिक पीरियड ऑफ द मेजोजोइक एरा में. ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं. आप सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ द इवोल्यूशन, कह रहा कौन ऐसा है जो मोस्ट एविडेंट प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए प्रूफ दे रहा है इवोल्यूशन के लिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए. 73 का आंसर बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे फॉसिल्स, कौन सा सही हो जाएगा, फॉसिल्स सही हो जाएगा. द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज, द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज क्या होगा, द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज क्या हो जाता है, एन इंडिविजुअल, क्या हो जाता है, एन इंडिविजुअल. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लाइकली टू हैव बीन एब्सेंट इन ए फ्री मॉलिक्यूल स्टेट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लाइकली टू हैव बीन एब्सेंट इन ए फ्री मॉलिक्यूलर स्टेट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही है यहाँ पे, तो आपका आंसर सही हो जाता है ऑक्सीजन. फिर से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लाइकली हैव द बीन एब्सेंट, क्या होता है, एब्सेंट है फ्री मॉलिक्यूलर स्टेज में, कौन, ऑक्सीजन. ठीक है, चलिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन किस पे आधारित है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा 76 का, जल्दी से देखिए और आंसर बताइए. इनहेरिटेंस ऑफ, नहीं, इंट्रैक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट, उसके बाद आप बताएंगे इफेक्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल, नहीं, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे. देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेंसिस ऑफ मैमल्स, ठीक, करेक्ट पूछ रहा कौन सा करेक्ट है. ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल आर टोटिपोटेंट, सी है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, स्टेम सेल आर स्पेशलाइज्ड सेल, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कौन सा सही है, तो 77 का आंसर आप बताएंगे कौन सा, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, आपका आंसर सही हो जाता है. द फिंचेज ऑफ गैलापागोस गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ फेवर ऑफ, किसके फेवर में,
तो फिर से वही क्वेश्चन आपका, इसके पहले अभी मैंने एक बार आपको कराया, तो बायो जियोग्राफिकल इवोल्यूशन के, ठीक है, व्हेन टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट ठीक जेनोलॉजी कम टू रिजेम्बल ईच अदर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ फिनोमेना इज टर्म्ड, तो इसका आंसर हो जाता है कौन सा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। एमंग द ह्यूमन एंसेस्टर द ब्रेन साइज वॉज मोर देन 1000 cc इन, कह रहा है एमंग द ह्यूमन एंसेस्टर द ब्रेन साइज वॉज मोर देन 100 cc इन, आप बताएंगे किस में ऐसा होता है, तो आप कहेंगे जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या सही होगा, 80 का आंसर बता दीजिए क्या सही होगा, होमो नियंडरथैलिस, किस में, होमो नियंडरथैलिस। इंडस्ट्रियल मिलेनिज एज ऑब्जर्व्ड इन प्रिपेयर्ड मोथ प्रूफ्स डेट, तो इसका आंसर आपका सही हो जाता है कौन सा, ये थोड़ा सा बड़ा सा इसका ऑप्शन है, तो इसमें आप बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सही हो जाता है डी वाला। द ट्रू ब्लैक मिलेनिक फॉर्म्स अराइजेज बाय द रिक्वायरिंग रैंडम म्यूटेशन, एडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू, आंसर आपका हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्राम द कॉमन एंसेस्टर, आपका सही आंसर है एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्राम द कॉमन एंसेस्टर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्राम द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्राम द फॉलोइंग, तो आप बताएंगे फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एडेप्टेशन एंड गेट सेलेक्टेड बाई द नेचर, तो आपका सही हो जाता है ए वाला। चलिए, वाट इज कॉमन टू व्हेल सील एंड शार्क, कह रहा कौन ऐसा है जो कॉमन है व्हेल में सील में और शार्क में, तो आप बताएंगे ठीक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कौन कॉमन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आईलैंड इज आइसोलेशन इज, कह रहा है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज, कह रहा कौन ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट सिक्वेंस है जियोग्राफिकल किसमें आइसोलेशन में, तो आप कहेंगे स्पेसिएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। फर्स्ट ऑर्गेनिज टू इवॉल्व ऑन द अर्थ वेयर, फर्स्ट ऑर्गेनिज टू इवॉल्व ऑन द अर्थ वेयर, तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे कीमोट्रॉपिक, कीमो हेटरोट्रॉपिक। मिलर एंड यूरे परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट डेट प्रूव ऑरिजिन ऑफ लाइफ, दे टुक गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर होगा ठीक है, एक मिनट, अमोनिया एंड हाइड्रोजन एलॉन्ग विथ, जल्दी बता दीजिए किसका आंसर। मिलर एंड यूरे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट डेट द प्रूव ऑरिजिन ऑफ लाइफ, दे टुक गैसेस यानी H3 एंड H2 एलॉन्ग विथ, किसके साथ, तो आप बताएंगे 87 का आपका आंसर कैसे हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए BH2O एंड CH4। द बुक्स फिलासफिक जुलॉजिक वाज रिटन बाई, कह रहा जो बुक है फिलासफिक जुलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तो सबको पता है फिलासफिक जुलॉजी किसके द्वारा लिखी गई, लैमार्क द्वारा, किसके द्वारा, लैमार्क की बुक। चलिए, द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाई, एज ऑफ फॉसिल किससे डिटरमाइन होती है, तो आप बताएंगे एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइंड बाई रेडियो एक्टिव C14 डेटिंग, किसके द्वारा, रेडियो एक्टिव C14 द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रोमैग्नन मैन इज द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ द होमोसेपियंस, क्रोमैग्नन मैन इज द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ द होमोसेपियंस। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का इज, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या होंगी, तो आपको आंसर बताना होगा एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक हो जाती है नियोप्लीना, कौन सा हो जाता है, नियोप्लीना। मैंने कनेक्टिंग लिंक का डबल डोज आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। द आइडिया ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज वॉज रीच्ड, द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेज वॉज रीच्ड, तो इसका आंसर आपको बताना होगा क्या सही होगा, तो इसका आंसर क्या सही होगा, द आइडिया ऑफ द, तो इसका आंसर आप बता देंगे इनडिपेंडेंटली ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेल्स ठीक 1859।
फर्स्ट मैमल्स अकर्ड इन विच एरा पीरियड, कह रहा फर्स्ट मैमल्स अकर्ड इन विच एरा पीरियड, किस एरा और पीरियड में फर्स्ट मैमल अकर हुआ था यानी देखा गया था, आपको बताना है। यह आंसर आपको सही हो करना होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ट्रायसिक मीजोजोइक। ठीक, विच वन आर द लिंक्ड टू इवोल्यूशन, कह रहा कौन ऐसा है जो इवोल्यूशन से लिंक्ड है, कौन ऐसा है जो इवोल्यूशन से लिंक्ड है, तो आप बताएंगे आंसर कि कौन सा ऐसा है जो इवोल्यूशन से लिंक्ड है, तो आप कहेंगे वेरिएशन। उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो ये तो आप जानते हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, किस में आर्कियोप्टेरिक्स किसका कनेक्टिंग लिंक है, तो आप कहेंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्क, कह रहा कौन सा ऐसा है जो लैमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा और चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, आंसर बताइएगा कौन सा लैमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। एनवायरमेंटल प्रेशर काज वेरिएशन, रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ड्यू टू द वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इफ एन ऑर्गन इज यूज्ड कॉन्स्टेंटली इट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन साइज। तो अब आपको बताना है कौन सा लैमार्क का क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्क, लैमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। आप कहेंगे द रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर्स ड्यू टू द वेरिएशन, ये लैमार्क का नहीं, बाकी तीनों लैमार्क की थ्योरी होती है। चलिए, थ्रोन ऑफ विगनविला एंड टेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, आज एग्जाम्पल आप कह रहे हैं थ्रोन जो कांटा होता है बिटवीन किसका, बोगेनविला का, और जो ट्रेंडिल है कुकुरबिटा का, ये दोनों क्या हैं, तो आपको ये बताना है ये दोनों क्या हैं। तो 97 का आंसर बता दीजिए आपको क्या हैं ये दोनों, तो आप कहेंगे ये दोनों क्या हैं, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों क्या हैं, दो वहाँ पे था होमोलागस आर्गन, क्या है होमोलागस आर्गन है। डार्विन फिंचेज आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, डार्विन फिंचेज एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है किसकी, तो आप कहेंगे एडेप्टिव रेडिएशन की, किसकी एडेप्टिव रेडिएशन की। मैं आपको बता दूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबियंट, यानी प्रोटोबियंट, उसके बाद क्वेसरबेट एंड माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्फेयर एज इन्वेस्टेड इन द एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इसको आप बताएंगे 99 का आंसर, जो बताएंगे 99 का आंसर आपका हो जाता है सी, कौन सा हो जाता है सी, दे वेयर एबल टू रिप्रोड्यूस। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय द हिम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय द हिम, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा किसमें, तो आप कहेंगे 100 का सी हो जाएगा, बिजमैन थ्योरी द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्मप्लाज्म, यह आपका सही है। ठीक है, चलिए, मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करना है, मैच करके आंसर बताना, छोटा कर देते हैं आप देख पाएं। चलिए, एक तरफ साइंटिस्ट दिया गया, एक तरफ उनका कंट्रीब्यूशन है, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज, अर्नेस्ट हेकल और अगस्त बिजमैन, तो अब आपको बताना किसने क्या किया था। तो चलिए जल्दी चार्ल्स डार्विन के बारे में बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बता दीजिए, चार्ल्स डार्विन के बारे में, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। चार्ल्स डार्विन आप जानते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सही है, चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लैमार्क के बारे में अगर बताना हो तो लैमार्क को आप क्या कहेंगे, फिलासफिक जियोलॉजी इनकी बुक है। ठीक, ह्यूगो डी ब्रिज, म्यूटेशन थ्योरी, सही है। चलिए, अर्नेस्ट हेकल की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट हेकल किस में आ जाएंगे, बायोजेनेटिक लॉ में आ जाएंगे। अगस्त बिजमैन आप जानते हैं क्या देते हैं, जर्म प्लाज्म थ्योरी, तो आपका ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सही हो जाता है, कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हार्डी वेनबर्ग, देखिए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आपसे पूछा गया था क्वेश्चन किस में, 2021 के एग्जाम में, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन इसमें चेंज किया गया था। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन एज टू द अफेक्टेड बाई, किसके द्वारा अफेक्ट होता है, तो आपको बताएंगे इसका आंसर किसके द्वारा अफेक्ट होता है, तो आप कहेंगे किसके द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, हालांकि वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन आपका ऑप्शन में था, तो आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाज हाईलाइटेड बाई, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाज हाईलाइटेड बाई, किसके द्वारा हाईलाइट होता है, तो आप कहेंगे किसके द्वारा, बेस्टन बिटुलेरिया द्वारा, बेस्टन बिटुलेरिया, दिस इज आर नॉट
डार्विनियन कॉन्सेप्ट कह रहा, कौन सा डार्विनियन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको इसके बारे में बताना है कौन सा ऐसा है जो डार्विनियन कॉन्सेप्ट नहीं। वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नीचे आ जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आपका आंसर सही हो जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड मोस्ट कम्प्लीट होमोनिडी फॉसिल्स कॉमनली नोन एज द लकी बिलोंगिंग टू द जीनस, फिर से देखते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड मोस्ट कम्प्लीट होमोनिडी फॉसिल्स कॉमनली नोन एज द लूसी, क्या कहते हैं, लूसी कहते हैं, लकी नहीं लूसी कहते हैं, बिलोंगिंग टू द जीनस, किससे बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे किस जीनस से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है GIC में, आश्रम में, या यहाँ पे PGT में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर ऑफ मैन फर्स्ट टाइम शोड बाईपेडल मूवमेंट, कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मैन का फर्स्ट टाइम शोड बाईपेडल मूवमेंट शो करता है, तो आप बताएंगे कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, दोनों ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हु आर द फर्स्ट इज द डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज, कह रहा आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कहेंगे जेन बेप्टिस्ट लैमार्क द्वारा। हु पोस्टुलेटेड द म्यूटेशन थ्योरी, किसने म्यूटेशन थ्योरी दिया, तो आप कहेंगे म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, तो जल्दी बता दीजिए ह्यूगो डी ब्रिज ने, किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। 142 क्वेश्चन है, 142 क्वेश्चन है, और आप 109 पे हैं, आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, जितने भी मित्र देख रहे हैं आप पूरा देख करके जाइए, 109 की बात करते हैं हम। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए केस ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कह रहा कौन सा ऐसा है जो केस नहीं है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, प्रिपेयर्ड मोथ, क्या है, प्रिपेयर्ड मोथ, ठीक। एम्फीबियन वेयर डोमिनेंट ड्यूरिंग, एम्फीबिया किस युग में डोमिनेंट थे, आपको ये बताना है, एम्फीबिया जो थे कार्बोनीफेरस युग में डोमिनेंट थे, याद रखिएगा कार्बोनीफेरस युग में एम्फीबिया का युग कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लार्जली एसोसिएटेड विद द इंस्टिंक्शन ऑफ डायनासोर एंड द इंक्रीज ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रेप्टाइल्स, इंक्रीज इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड रेप्टाइल्स, आप कहेंगे क्रिस्टेशियस पीरियड में, किसमें, क्रिस्टेशियस पीरियड में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ए बायोजेनेसिस लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू ए बायोजेनेसिस लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ से, तो आप कहेंगे नॉन लिविंग थिंग से। जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम भी टेकन नहीं है उसको छोड़ करके तेजी से भागते हैं। डार्विन जज्ड द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाई, कह रहा डार्विन जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाई किसके द्वारा, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, किसके द्वारा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं, मास इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द मेजोजोइक एरा वाज प्रोबेबली ड्यू टू, तो इसका आंसर सही हो जाता है आपका, क्या सही हो जाता है जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिलेगा, द कोलिजन ऑफ अर्थ विद द लार्ज, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा, बी वाला। चलिए, टाइकोग्लासस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, टाइकोग्लासस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये आपके PGT में देखा जाने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा मिलेगा आपको, टाइकोग्लासस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड मैमल में, एग्जाम्पल आसान है लेकिन याद रखिएगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इज टर्म, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंटेड ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इज टर्म्ड, तो इसका आंसर आपका सही हो जाता है, क्या सही हो जाता है, तो आप कहेंगे सिंपेट्री, क्या हो जाता है, सिंपेट्री हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, कह रहा कौन ऐसा है जो कनेक्टिंग लिंक है मैमल का और रेप्टाइल का, तो आपको ये तो बताना ही नहीं है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, जल्दी से बता दीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन, आपको इसमें से एक आंसर चुनना है, तो आप कहेंगे आर्निथोरैंकस, कौन है, आर्निथोरैंकस है, ठीक है, आपके TGT में देखा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कह रहा कौन ऐसा है जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया था, तो आप बताएंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। और उसके बाद डार्विन फिंचेज प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, द एविडेंस कम फ्रॉम द फील्ड ऑफ, कह रहा एविडेंस कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में आप बताएंगे कहाँ से आता है, बायोजियोग्राफिकल या बायोजियोग्राफी से। मिलर्स एंड यूरे परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दे टुक गैसेस, मिलर और
यूरे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था वर्जिन ऑफ लाइफ के, तो उन्होंने कहाँ कौन से गैसेस लिए थी, तो आपको ये बताना दे टुक गैसेस कौन सी, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, आपको ये तो याद ही होगा। हेकल्स बायोजेंटिक लाइज, हेकल का बायोजेंटिक ला क्या है, आंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी ना, आंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, तो आपका आंसर कौन सही हो जाता है, ए वाला सही हो जाता है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट टूथेड वर्ड एंड जिम्नोस्पर्म टुक प्लेस ड्यूरिंग, कह रहा किस पीरियड में टूथेड वर्ड और कौन जिम्नोस्पर्म पैदा हुए थे, तो आपको बताना है किस पीरियड में, जुरैसिक पीरियड में, किस पीरियड में, जुरैसिक पीरियड में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 122 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज द प्रोसेस विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर द एवोल्यूशन इज, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज द प्रोसेस विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन इज, किसके लिए, तो आप बताएंगे रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन इज, जल्दी से बता दीजिए, तो आपका आंसर सही हो जाता है 20 क्या सही हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, कौन सा, म्यूटेशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, द प्री हिस्टोरिक मैन विच लिव्ड इन ऑन अर्थ ड्यूरिंग लेट प्लेस्टोसिन पीरियड, द प्री हिस्टोरिक मैन विच लिव्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग लेट प्लेस्टोसिन पीरियड, तो आपका आंसर सही हो जाता है, कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा नियंडरथल मैन, कौन सा, नियंडरथल मानो, ठीक। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन बाई ह्यूगो डिब्रिज, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन बाई ह्यूगो डिब्रिज, तो आपका आंसर सही हो जाता है, कौन सा, तो आप कहेंगे बोथ स्मॉल एंड लार्ज म्यूटेशन काज वेरिएशन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ए लिविंग कनेक्टिंग लिंक विच प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ए लिविंग कनेक्टिंग लिंक विच प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जल्दी से बता दीजिए, 126 का आंसर सही हो जाता है, डक बिल्ड प्लेटिपस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, डक बिल्ड प्लेटिपस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन, कह रहा कौन ऐसा है जो एनालॉगस ऑर्गन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन, कह रहा कौन ऐसा है जो एनालॉगस ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक। और आगे बढ़ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी मटेरियल्स मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, कह रहा कौन ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव है, तो इसके बारे में आपको बताना कौन ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव है, तो उसके बारे में आप बताएंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा, चिंपैंजी। और उसके बाद पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरिपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो आप कहेंगे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, किसका, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, ऑन द केस ऑफ द प्रिपेयर्ड मोथ यानी वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया द ब्लैक कलर्ड फ्रॉम द बिकम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर्ड बैक इन द इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल, ये क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं क्या है, फिर से देखें इसको, इन द केस ऑफ द प्रिपेयर्ड मोथ वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया द ब्लैक कलर्ड एंड बिकम द डोमिनेंट, अच्छा ओवर द लाइट कलर, अच्छी बात है, फ्राम द इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक सेकेंड रुक जाते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाई द डार्कर फ्रॉम द सिलेक्टेड, ए आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो सेडिमेंटरी रॉक्स में, फॉर द यमियन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ यम एंड एन एलील्स एंड आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमियन ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी, तो इसका आंसर आपका सही हो जाता है 42%, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। विच वन ऑफ विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन मोथ वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया, तो आपका आंसर सही हो जाता है इसका आपका बी यानी डायरेक्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज, क्या द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन
आप डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन की मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन कौन सी है जो मानी जाती है, जल्दी से बता दीजिए। रामापिथेकस, ठीक, एक मिनट, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो आपका सी वाला आंसर कहीं ज़्यादा मैच कर रहा है तो आपका सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीसीज, कह रहा कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो लिंक स्पीसीज के लिए एग्जाम्पल है, तो आपका आंसर सही हो जाता है। लिंक स्पीसीज का एग्जाम्पल कौन सही, तो आप कहेंगे लोभ फिश, कौन सा, लोभ फिश। अच्छा, मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम ए विथ द आइडिया लिस्टेड कॉलम बी। अच्छा, यहाँ आप चार साइंटिस्ट दिए गए हैं, उनके सिद्धांत दिए गए हैं, उनके आइडिया दी गई हैं, किसमें, कॉलम बी में, आपको मैच करा के बनाना है। डार्विन का आपका क्या हो जाएगा, डार्विन का क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, यही ना, डार्विन का क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। चलिए, ओपेरिन, ओपेरिन का क्या हो जाता है, ए आई ओपेरिन का, जल्दी बता दिए, ए आई ओपेरिन का क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, ए आई ओपेरिन का हो जाता है ए बायोजेंसिस। लैमार्क का, लैमार्क का क्या हो जाएगा, लैमार्क का आपका हो जाता है, लैमार्क का हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दीजिए, लैमार्क का क्या हो जाएगा, यूज एंड डिसयूज। और वैगनर का क्या हो जाता है, कॉन्टिनेंटल ऑफ द ड्रिव। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए, इन 1953 यस्सियल मिलर यानी स्टैनले मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन द लेबोरेटरी एंड गेव द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस क्रिएटेड इंक्लूड, तो उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था उस प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को बनाने के लिए, तो आप बताएंगे उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था। तो आप बताएंगे उसमें एक तो हाई टेम्परेचर लिए थे, बालकैनो इरप्शन, बालकैनिक वो किए थे, वाल्वेनिक स्ट्रोम पैदा किए थे, रिडक्शन कराए थे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये दो गैस लिखी थी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, वेरिएशन ड्यूरिंग, कहाँ गया, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकम्बिनेशंस आर, फिर से देखते हैं, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकम्बिनेशन आर, तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा, रेंडम एंड डायरेक्शनलेस। डार्विन्स फिंचेज आर ए गुड एग्जांपल ऑफ, डार्विन्स फिंचेज किसका है गुड एग्जांपल है, किसकी गुड एग्जांपल है, तो आप कहेंगे एडेप्टिव रेडिएशन की, किसकी, एडेप्टिव रेडिएशन की। एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपका पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हमने 142 कहा था तो मुझे लगा कि 142 ही होगा, ठीक है, लेकिन आपके 150 क्वेश्चन है। चलिए, गिवन बिलो द फोर स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए गए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ईच विथ वन ऑफ द टू ब्लैंक्स, ठीक, सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना, पहला दिया गया जो ऑप्शन दिया गया, ठीक है, ए है विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एंड आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, बी दिया गया है मिलर्स सो डेट CH4H2 यानी H3 एंड व्हेन एक्सपोज्ड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए फ्लास्क रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड। अच्छा, और थर्ड पूछा जा रहा है वर्मी फार्म अपेंडिक्स इज ए ऑर्गन ऑफ एंड सेकेंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये देखिए मिसप्रिंट हो गया, लिखने में मिसप्रिंट हो गया, तो इसको हम मैच नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू द डार्विन इवोल्यूशन इज आ जाइए 41 पे, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है तो क्वेश्चन से इसे लिखा नहीं गया है, ठीक है, छोड़ दीजिए, आ जाइए यहाँ पे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इज क्या होगा, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डार्विन इवोल्यूशन इज, जल्दी बताइए, ए स्लो ग्रेजुएशनल ऑफ द कंटिन्यूटी प्रोसेस सडन एक्सपेरिमेंट, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, कौन सा है, 141 का डी। चलिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जावा मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमो इरेक्टस इरेक्टस, ऑप्शन पे आते हैं, जावा मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है होमो इरेक्टस इरेक्टस, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द होमोलागस स्ट्रक्चर, कह रहा कौन ऐसा है जो
करेक्टली होमोलागस स्ट्रक्चर को बताता है। करेक्टली होमोलागस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो आपका हो जाना चाहिए जिसमें सिमिलरिटी हो पर कैरा ओरिजिन स्ट्रक्चर एक जैसा हो और फंक्शन डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलागस आर्गन कहते हैं ना। तो आपका देखिए कैरा आर्गन्स विथ एनाटोमल सिमिलरिटी बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन, हमारे समझ से तो आपका एक सेकेंड क्या है होमोलागस ना, होमोलागस में आपका यही सही होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका सही है, ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम होता फंक्शन अलग होते हैं, सही है। चलिए एन इवोल्यूशनरी पैटर्न करेक्टरिस्टिक ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द काइंड ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड, करा क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीसीज को क्या कहा जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ए कॉमन मीन्स ऑफ द सिंपेट्रिक स्पेसिएशन इज, सिंपेट्रिक एसोसिएशन क्या हो जाता है आपका, टेम्पोरल सेग्रीगेशन ऑफ द ब्रीडिंग सीजन। आगे बढ़ जाए, द मोस्ट अपेरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन, तो इसके बारे में आप बता देंगे तो आप कहेंगे रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, और व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस फॉर्म द हिज एंसेस्टर, तो जल्दी से बता दीजिए 47 का आंसर क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी, और स्वीट पोटैटो इज होमोलागस ऑफ, आप बता दीजिए ये क्वेश्चन आपके 2016 में बस ऑप्शन में दिया गया था, तो क्या था, तो 2021 में, तो आप कहेंगे किसके जैसा है, तो आप कहेंगे ये किसके जैसा है, जल्दी बता दीजिए 148 का आंसर डी हो जाता है, टर्निप जैसा होता है। और उसके बाद लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन द गिवन आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका एडेप्टिव रेडिएशन, क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। और लास्ट है, तो इसका ऑप्शन नहीं है, आप आंसर बताइए कि विच वन ऑफ द एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन इन द करेक्ट एग्जाम्पल, इसमें ऑप्शन देना है तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया तो छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आपने ये 149 क्वेश्चन किया, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके इवोल्यूशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस सीरीज से आपका मिल जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और जहाँ हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।